हेलो फ्रेंड्स, दीदी की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं नारियल और सूजी की बर्फी कैसे बनाई जाए। तो चलिए जानते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। ये हमने एक बड़ा बाउल सूजी का लिया हुआ है जी, और ये नारियल का बड़ा बाउल लिया हुआ है, और थोड़ा सा हमने इलायची लिया हुआ है। अब हम कढ़ाई गरम कर चुके हैं और इसमें एक बड़ा चम्मच घी का डालेंगे हम। एकदम सिंपल तरीका है ये, हमने डाल दिया है घी। अब इसे थोड़ा गर्म होने देंगे। हाँ, हल्का सा। जब ये गर्म हो जाएगा, देखिए गर्म हो चुका है जी, इसमें ये सूजी डाल देंगे। ये हमने सूजी डाल दिया, सूजी को भूनना नहीं है, सिर्फ मिलाना है। ये देखिए, बस ऐसे करके घी और सूजी मिक्स हो जाए। हाँ, भूनना नहीं है जी, सूजी टेस्ट है घी का। हाँ बस, और फ्लेम कैसे करिए हमने? लो फ्लेम की है। पहले घी गरम कर लें अच्छे से, उसके बाद लो फ्लेम पे इसको मिला लें अच्छे से जी। अब साथ ही हम इसमें इलायची भी डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे इलायची भी। आप मीठा खाना चाहते हैं तो एक बड़ा बाउल, अगर थोड़ा कम मीठा खाना चाहते हैं तो थोड़ा भी चीनी डाल सकते हैं। मैंने चीनी डाल दिया है इसके अंदर, अभी मिक्स कर लेंगे। हाँ, मतलब एक तरह से इसका घोल तैयार करके रखना है जी। हमने जब चीनी डाल लिया है तो अभी चीनी तो वैसे घुलेगा नहीं, तो हम इसमें धीरे धीरे करके दूध डालेंगे। एक घोल तैयार करना है, देखिए धीरे धीरे करके, ताकि चीनी और सूजी एक अच्छा सा घोल तैयार हो जाए, ऐसे एक बैटर बन जाए। ज़्यादा ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो। हाँ, ताकि उसमें जो हम नारियल का बुरादा डालेंगे तो एक बन मतलब थिक सा बन जाए, और ऐसे इसको पका लेंगे अच्छे से। फ्लेम कैसे रखनी है? फ्लेम अभी लो पे ही करनी है, स्लो पे करनी है, और थोड़ा सा हो जाए चीनी गलने लगे तो हाई पे करके इसको बंद कर देंगे। ये देखिए हमारा जो घोल है वो गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें नारियल का बुरादा डाल के मिला लेंगे, और आँच धीमी ही रहेगी। ये देखिए, ये अच्छे से मिला के जब ये सूख जाएगा मिलाने के बाद, तो हम किसी बर्तन में उसको निकाल देंगे। ये देखिए हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है नारियल और सूजी अच्छे से, जैसे कि हमारा खोआ होता है, उसको हम अब एक बर्तन में निकाल लेंगे। पहले बर्तन में थोड़ा सा घी लगा लेंगे हम। ये देखिए, और फिर हम निकाल लेंगे इसको ऐसे करके। और इसको अच्छे से हम फैला लेंगे हाथ से, और इसके 2 से 3 घंटे तक छोड़ देंगे हम इसको ऐसे ही। हमने प्लेट में हमको इस तरह से जमा के रख दिया है इसको, 2 घंटे तक हम छोड़ देंगे। इस पे थोड़ा सा हम नारियल का बुरादा भी डाल देंगे, थोड़ा सा एकदम ऐसे करके, और 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे बस। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी बर्फी हो गई है तैयार। तो आप भी बनाएं, हमें बताएं कैसा लगा, अपने व्यूज शेयर करें कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा तो लाइक करें, और ऐसी और रेसिपीज़ जानने के लिए सब्सक्राइब करें दीदी की रसोई चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।